अरमान मलिक भैया जिसे देखो उसे वो यही वीडियो। पहले बनाया निशा दी ने बनाया उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने वो रियलिटी अपनी दिखाने की कोशिश की। उसके ऊपर भी लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया, स्क्रिप्टेड है सब चीजें, नाप तोल कर बोली गई है। तो देखो जो सच था वो तो आपको बताया ना, स्क्रिप्टेड है या नहीं है वो तो एक अलग बात है, और उन्होंने जो बोला वो आपको दिखाया भी, प्रूफ के थ्रू दिखाया ना, प्रूफ के थ्रू आपको, बट आपको फिर भी वो चीजें नहीं है। फिर दूसरा वीडियो आता है तहलका प्रैंक का। तो उनका जब वीडियो आता है तो उस वीडियो में भी वही सब चीजें, वहां पर बिल्कुल अरमान मलिक पहुंचते हैं, सब चीजें अपनी दिखाते हैं, बताते हैं कि ये सब चीजें ऐसे हो रही है। फिर देखते हैं कि उनके साथ एक जो चीकू का ब्लॉग शूट करते हैं, वो भैया का ब्लॉग चल रहा है, उनके चैनल पर ब्लॉग जाता है वो वाला, जहां पर अरमान उनसे मिलने के लिए गए थे। तो जब सब कुछ आप लोगों ने स्क्रिप्टेड रखा हुआ है तो फिर हम ऑडियंस को पागल समझा हुआ है क्या? देखो तहलका भैया ने बिल्कुल जो चीजें दिखाई बिल्कुल जेन्युइन है, पर उनमें बहुत सारे कमेंट ये भी थे कि उन्होंने जो भी चीजें की हैं स्क्रिप्टेड है। मैं नहीं कह रही हूँ कि स्क्रिप्टेड है, बट आपके जो कमेंट्स आए हुए हैं उन्होंने यही चीजें कही हैं कि जो भी आपने अरमान मलिक को लेके कहा है वो स्क्रिप्टेड है और वो सब चीजें स्क्रिप्टेड हुई है। तो दूसरी बात यहाँ पर ये भी निकल के आती है कि अरमान मलिक ने क्यों अपनी बहन को रुलाया, क्यों अपनी बहन की इतनी ज़ाती की उसके साथ, और उसका चैनल ले लेना, अपनी भाभी को ये सब चीजें बोलना, फिर उसको बोलना, और फिर वो परदेश में बैठी उस मैडम को उकसाने के बाद फिर उसका चालू हो जाना जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद वो ऐसे ऐसे निकाल के ला रही है किससे, जो कि अभी तक किसी ने सुने ही नहीं थे, जो कि इतनी बातें निकल के आ रही हैं, और सीधा टारगेट हो रहा है उनकी वाइफ के ऊपर, जो कि अब वाइफ नहीं है, डिवोर्स हो चुका है, और वो उन बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं जो बच्चे अभी तक उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके नाम लेने का, उनकी वाइफ का नाम लेने का बहुत दावा किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, अरमान ने बहुत ज्यादा बुरा किया है अपनी बहनों के साथ। उनका चैनल खुलवाते हैं, फिर उसके साथ उनके एक वर्कर के थ्रू उनको रखते हैं, और फिर मतलब बहुत कुछ उनके लिए बोला जाता है, और एक ये बिग बॉस में जाने की उनकी एक प्लानिंग है। तो भैया जो भी हो जैसा भी हो, सक्सेस पाने के लिए किसी के आंसू अगर आप ले रहे हैं और उस आंसुओं का सौदा कर रहे हैं और फिर आप चाह रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, तो कभी नहीं हो सकता। आंसू खाली ऐसा नहीं है कि पानी बहते, उनके साथ बद्दुआएं भी निकलती हैं, और वो बद्दुआ वो होती हैं जो हम और तुम ना देते हुए भी हमारी आत्मा दे देती है। क्योंकि जब हम किसी के लिए बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत ऊपर वाले को भी मंजूर होती है, तभी उनसे मिलन होता है। ऐसे ही बिना मतलब कि अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप शब्द यूज कर रहे हैं अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए, अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए, फिर ये सब चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना वो इंसान इतना तो पता चल जाता है कि वो किस लेवल का है। ठीक है, अब जब तहलका भैया की वीडियोस देखी तो उनके बाद पता चला कि उनके साथ जो भी कुछ है जैसा भी है वो सब चीजें हैं, और वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, जबकि इनकी बहन ने खुद ये चीजें क्लियर की हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं, और अभी तक भी चाहे उन्होंने जो भी बताया वो चीजें उन्होंने अभी भी क्लियर नहीं की थी सपना ने, कि हाँ ये चीजें इस तरीके से हुई थी। उड़ती उड़ती बातों को उठाया गया, उड़ती उड़ती बातों को रोना धोना करके ऑडियंस के सामने रखा गया, और किस तरीके से ऑडियंस ने मिर्च मसाला लगाकर उसको आगे मतलब दिखाया, वो सब चीजें की। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इनका खुद का पूरा ग्रुप है, पहले तो यही सब थे, अगर वो जो लोग जाने माने लोग हैं वो सब चीजें ये सब करते तो फिर कैसे काम चलता। तो उन लोगों को बुलाया गया, उनको साथ ये सब चीजें डील की गई कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, सबको अपना अपना करेक्टर दे दिया गया, और फिर एक अच्छी सी मूवी इन्होंने डायरेक्ट की। और डायरेक्टर हैं मिस्टर अरमान मलिक और इनकी वाइफ, जो कि कह सकते हैं सब कुछ हैंडल करती हैं, और हैंडल यहां से लेके वहां तक भी वही हैंडल करती हैं, जिससे सब कुछ पैचअप होने के बाद फिर से वही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो आप ही बताइए, क्या उनके साथ पहले सब कुछ पैचअप कर लिया गया, सब चीजें ठीक कर दी गई, फिर रिसेंटली वो मैडम उठ के आती है, उसको उकसाया जाता है, वो बोलती है, बोलने के बाद ये सब चीजें क्रिएट होती है और पता चलता है कि इसके पीछे कौन है और कहां जाने की शादी से। देखिए अच्छी बात है, अगर आप यहां तक आए हैं आपकी कामयाबी है, आप वहां तक भी जा सकते हैं, तो इसमें हमें कोई वो नहीं है, और हम होते भी कौन है पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप वहां जाएंगे आपके ऑडियंस को, आपके व्यूअर्स को वो सब चीजें अच्छी लगेंगी, पर सबसे गलत यही है कि आपने अपनी बहनों का दिल दुखाकर उनके बाद उनके लिए गेम प्लान किया। अब हालांकि वो आपके इस गेम में अनइन्वॉल्व है या नहीं है ये तो वो जाने, उनका परमात्मा जाने, हमें नहीं पता, पर हमें जिस तरीके से जो चीजें दिख रही है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और निशा दी ने भी अपने वीडियोस में ये चीजें क्लियर की हैं, बताया गया है कि
पायल ने खुद ये चीजें कन्फर्म की थी कि हाँ वो बिग बॉस में जाएंगे, तो उनकी एक बड़े शो में जाने की हो रही है तैयारी। तो एक बड़े शो में जाने की तैयारी कब और कहाँ होती है सब जानते हैं, और सबका सपना है, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं उन सबका सपना यही है कि वो बिग बॉस में जाएं। अच्छी बात है, आपने आप इस कामयाबी पे आप आए हैं, आपने अपने इतने सारे फॉलोवर्स इतने सारे सब्सक्राइबर गेन किए हैं, जो आपका ये सपना है अच्छी बात है, जाइए, हमें बहुत खुशी होगी, हम भी देखना चाहते हैं आपको वहां पर, और वहां पर जो चीजें निकल के आएंगी उसका इंतजार तो हमें भी है, क्योंकि फिर हमें भी तो मौका मिलेगा ना भैया वीडियोस बनाने का कि भैया ये बंदा दिखता कुछ था, है कुछ और वो कुछ, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अच्छी बात है, जाओगे तो भैया वहां तो बिल्कुल रियलिटी होती है ना, तो अंदर की रियलिटी भी वहां निकल के आ जाती है। अच्छे अच्छे जो बोलते हैं ना कि ये दिखावटी करते हैं, तो वहां पे कुछ दिखावटी नहीं होता, वहां अंदर का आदमी भी कहते हैं ना अंदर का शैतान भी बाहर निकल के आके कबड्डी खेलने लग जाता है, तो वो वाला हाल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, क्या ये सब चीजें स्क्रिप्टेड थी या फिर ये इनका खुद का बिछाया गया जाल था जिसको सब ऑडियंस को फंसा लिया गया है और जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा हो रहा है, तो वो सब चीजें हैं। तो बताइएगा आपको क्या लगता है कमेंट में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।